जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदयमित। दोस्तों आज इस वीडियो में 20 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों वन लाइनर के फॉर्म में है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में किस सरकार ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का ऐलान किया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में जो दिल्ली सरकार है, इन्होंने 10 साल पुराने जो डीजल वाहन है उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का ऐलान किया है। आगे दोस्तों हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो अधिकार दिवस है यह विश्व भर में 18 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पे गी खोरलो से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो है यह भूटान के देश के जो प्रधानमंत्री है, इन्होंने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदल पेल दी खोरलो से सम्मानित किया है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि जो भूटान की राजधानी है यह थिम्पू, और यहाँ का जो नेशनल गेम है वो है आर्चरी। और दोस्तों भूटान जो है यह भारत के साथ सीमा साझा करने वाला देश भी है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि CBFC के CEO का नाम, जिन्होंने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फिल्म प्रभाग और CFSI के नए प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों ये है CBFC के CEO जो कि रविंदर भास्कर है। कौन है? रविंदर भास्कर है। आगे दोस्तों हम देखते हैं भारत ने वर्ष 2024 ओलंपिक के लिए टॉप एथलीटों की सूची में कितने एथलीटों को शामिल किया है। तो दोस्तों भारत ने वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक के लिए 148 एथलीटों को सूची में शामिल किया है। आगे दोस्तों हम देखते हैं असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका मुख्यालय है मनीला में, और दोस्तों इसने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए $112 मिलियन ऋण को मंजूरी दे दिया है। आगे दोस्तों देखते हैं किस रेस कार ड्राइवर को लंदन के विंडसर कैंसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है। तो दोस्तों यह है लुइस हैमिल्टन। तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन जो है यह एक कार रेस ड्राइवर है, और दोस्तों इनको लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है। आगे दोस्तों देखते हैं आधारभूत साक्षरता सूचकांक के अनुसार देश में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। ये दोस्तों राज्य है पश्चिम बंगाल। और दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। आगे दोस्तों देखते हैं नवा नंबर क्वेश्चन, किस देश ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, दोस्तों क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, ये भूटान हो जाएगा इसका आंसर। और दसवां क्वेश्चन देखते हैं कि अस्थाई कृषि के लिए किस राज्य ने UNFAO और ICAR के साथ समझौता किया है। तो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश अस्थाई कृषि के लिए जो है UNFAO और ICAR के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।